हे गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ सुनीता और आप देख रहे हैं क्वर्की क्लैन। तो उम्मीद करती हूँ आप सब अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना ख्याल रख रहे हैं। तो आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ एगलेस स्पॉन्ज केक की रेसिपी, जो बहुत ही यमी होता है। तो काफ़ी सारे टेस्ट एंड ट्रायल के बाद फाइनली मैंने इस रेसिपी को डन किया। तो ये रेसिपी तो आप लोगों के साथ शेयर करना बनता ही बनता है। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर आप लोग को मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो उसे लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें। अगर आप लोगों ने मुझे अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ मुझे सब्सक्राइब कीजिए, और वो जो नोटिफिकेशन का बटन आता है ना उसे प्लीज़ ऑन कीजिए ताकि मेरा कोई भी वीडियो मिस ना हो। तो चलिए बिना किसी टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम एक पतीले को प्रीहीट करेंगे। तो ट्राई कीजिए कि थोड़ा सा मोटा और थोड़ा सा बड़ा बर्तन रहे ताकि केक जलने के बिल्कुल चांसेस ना हो। तो अच्छे से हम नमक का लेयर लगाएंगे एंड देन मैं इसमें एक स्टैंड लगा दूंगी एंड देन मैं इसे ढककर रख दूंगी ताकि ये हमारा प्रीहीट होता रहे। तो जब तक हमारा पतीला गर्म हो रहा है, चलिए हम वेट इंग्रेडिएंट्स रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 100 ग्राम्स बटर डालूंगी जो मैंने सॉल्टेड लिया है। अगर आप अनसॉल्टेड ले रहे हैं तो उसमें चुटकी भर नमक डाल दीजिए, क्योंकि नमक से क्या होएगा, एक तो आपका केक का फ्लेवर भी एनहेंस होएगा और आपका केक बहुत सॉफ्ट भी बनेगा। उसके बाद में मैं इसमें 250 ग्राम्स पाउडर शुगर ऐड करूंगी एंड मैं इसे तब तक मिक्स करूंगी जब तक ये बिल्कुल सॉफ्ट एंड फ्लफी ना हो जाए। तो मैं एक साथ सारा शुगर नहीं ऐड करूंगी, मैं धीरे धीरे करके इसमें ऐड करूंगी एंड मैं मिक्स करती जाऊंगी जब तक ये सॉफ्ट एंड फ्लफी ना हो जाए। तो इस बात का ध्यान आप भी रखें, एक साथ नहीं डालिए आप। तो इसे आप अच्छे से मिक्स कर दीजिए। तो आप देख सकते हैं कि मेरा शुगर एंड बटर एकदम अच्छे से मिक्स हो चुका है, एकदम सॉफ्ट एंड फ्लफी हो चुका है। तो इस टाइम पे मैं इसमें दही डालूंगी। तो मैं 2 टेबलस्पून इसमें दही डाल रही हूँ। तो मैं ज़्यादा दही इसमें ऐड इसलिए नहीं कर रही हूँ क्योंकि क्या होता है कि दही का भी एक अपना अलग फैट होता है एंड हमारा बटर का भी फैट रहेगा। तो उससे क्या होगा कि हमारा जो केक है ना एकदम ऑयली हो जाएगा। तो हमें ऑयली केक बिल्कुल नहीं चाहिए, हमें चाहिए एकदम सॉफ्ट फ्लेकी एंड एकदम मॉइस्ट केक हमें चाहिए। तो उसके लिए हम दही थोड़ा सा कम ही डालेंगे। एंड मैंने दही को पहले भी इसलिए नहीं डाला क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं कि सारे वेट इन्ग्रीडियंट्स को एक साथ मिक्स करते हैं एंड देन उसे ड्राई इन्ग्रीडियंट्स में डाल देते हैं एंड केक बनाते हैं। तो उससे हमारा केक बिल्कुल सॉफ्ट नहीं बनता है। तो जैसे आज मैंने बताया ना कि पहले हमें शक्कर और बटर को अच्छे से मिक्स करना है, उसके बाद ही हम दही डालेंगे। तो चलिए अब हम इसमें वनीला एसेंस डाल देते हैं एंड देन मैं इसको अच्छे से सबको मिक्स कर देती हूँ। तो चलिए अब हम अपना ड्राई मिक्स रेडी कर लेते हैं। तो सबसे पहले मैं 250 ग्राम मैदा लूंगी, देन मैं उसमें आधा चम्मच बेकिंग सोडा लूंगी, 1 चम्मच बेकिंग पाउडर ऐड करूंगी एंड देन मैं इन सबको मिक्स कर दूंगी अच्छे से। तो चलिए अब हम इसमें मिल्क पाउडर भी डाल देते हैं जो मैंने 50 ग्राम लिया हुआ है। तो मिल्क पाउडर से केक का बहुत ही अच्छा टेस्ट आएगा। तो इन सबको मिक्स कर देते हैं अच्छे से क्योंकि बाद में हम इसे ज़्यादा मिक्स नहीं करेंगे, ओवर मिक्स हमें केक को बिल्कुल नहीं करना है। तो अब बारी है कि हम अपने ड्राई इंग्रेडिएंट को वेट इंग्रेडिएंट के साथ में मिक्स करें। तो चलिए मैं धीरे धीरे इन सबको मिक्स करूंगी, पर मैं एक साथ में सारा मिश्रण नहीं ऐड डालूंगी। मैं धीरे धीरे करके पहले ड्राई इंग्रेडिएंट को वेट इंग्रेडिएंट के साथ में मिक्स करूंगी एंड हल्के हाथों से एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करूंगी। एक ही डायरेक्शन में फोल्ड करना है नाना, ये गलती बिल्कुल मत करना, ओवर मिक्स बिल्कुल मत करना, क्योंकि ओवर मिक्स करोगे ना तो बैटर जो है ना वो एयर ले लेगा और जो हमारा जो केक है ना बिल्कुल हार्ड एंड च्यूई हो जाएगा, तो हमारा जो केक है ना बिल्कुल ख़राब हो जाएगा। तो इस बात का बिल्कुल खास ध्यान रखना, ओवर मिक्स मत करना। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरा जो बैटर है थोड़ा सा थिक हो गया है, तो मैं इसमें अब थोड़ा सा दूध ऐड करूंगी एंड मैं दूध एंड मिक्सचर को तब तक ऐड करूंगी जब तक मुझे एक फ्लोई कंसिस्टेंसी मिल जाएगा। तो एक ही डायरेक्शन में हम इसे फोल्ड करते जाएंगे जब तक स्मूथ कंसिस्टेंसी ना मिल जाए।
तो मेरा बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है। तो चलिए अब हम इसको टिन में ट्रांसफ़र कर देते हैं और अपना केक बेक करते हैं। तो मैं केक बेक करने के लिए यहाँ पे 8 इंच का एल्युमिनियम टिन ले रही हूँ, जिसमें मैं बटर से ग्रीस कर रही हूँ। तो अगर आपके पास ब्रश है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन हम इंडियंस के पास कहाँ ये सब सारी चीज़ें इतनी होती है। तो अगर आपके पास ब्रश नहीं है तो आप अपने फिंगर्स का भी यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए अब इसमें मैं थोड़ा सा मैदा डस्ट करूँगी। तो मैदा डालने से क्या होता है कि जो हम जब केक को जब बाहर निकालते हैं टिन से, तो बिल्कुल ईजिली निकल जाता है, चिपकने का बिल्कुल चांस नहीं होता है। तो ये भी एक बहुत अच्छा सा टिप है, आप इसे भी नोट कर लीजिए। एंड मैं सारे मैदों को अच्छे से फैला देती हूँ। तो चलिए हम केक टिन में बैटर को ट्रांसफ़र कर देते हैं एंड जल्दी से हम इसे बेक कर देते हैं। तो मेरा बैटर ऑलमोस्ट रेडी हो चुका है, तो एक बार मैं लास्ट बार इसे टैप करूँगी। तो चलिए अब हम चेक करते हैं कि हमारा पतीला गरम हुआ है कि नहीं हुआ है। तो पतीला हमारा बिल्कुल गरम हो चुका है। तो चलिए मैं इस बैटर को इसमें डाल देती हूँ एंड मैं इसे मीडियम आंच में पकाऊंगी जब तक कि ये अच्छे से फूल ना जाए एंड पक ना जाए। तो चलिए 30 से 40 मिनट हो चुके हैं, हम चेक करते हैं कि हमारा केक बना है कि नहीं। तो मैं इसमें एक चाकू इंसर्ट करूँगी, तो अगर मेरा चाकू बिल्कुल क्लियर निकला तो मैं समझ जाऊँगी कि मेरा केक पक चुका है। तो एक लास्ट बारी मैं टिन को अच्छे से टैप करूँगी एंड आप देख सकते हैं कि मेरा केक कितने अच्छे से बाहर निकला है, बिल्कुल नहीं चिपका है। तो हमारा केक बिल्कुल रेडी है, अब कुछ नहीं करना है, बस मैं अब आपको इसको डिश आउट करके दिखाऊंगी, मैं आपको कट करके बताऊंगी कि मेरा ये केक कैसा बना है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।